अनार 100 बीमार, लेकिन अब ये बीमारी कुछ इस कदर फैल गई है कि उसके मरीज ने साफ कह दिया है कि अगर मैं ठीक नहीं होता हूं तो फिर मैं किसी और को भी ठीक नहीं होने दूंगा। हमें मालूम है आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, तो इसको सरल भाषा में आपको हम समझाते हैं। तो बात ये है कि एक लड़का है और दो लड़की है। दोनों लड़की एक ही लड़के से शादी करना चाहती है और दोनों का कहना है कि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो फिर इसे मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। देखिए, प्यार मोहब्बत में ये सब चलता है, लेकिन ये बात अब थाने तक पहुंची है तो बिहार पुलिस का दिमाग ही खराब हो गया है। आखिर करे तो क्या करे। आगे सेगमेंट में आपको उस प्रेम कहानी को हम सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे अजीबो गरीब लोग इस धरती पे रहते हैं और कैसे इनकी प्रेम कहानी भी अजीब हो जाती है। अब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई लड़की अपने दोस्त को जल्दी अपनी सहेलियों से नहीं मिलवाती है या फिर बात नहीं करवाती है। ऐसा ही कुछ लड़कों के साथ भी होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने दोस्त को अपने बाकी के दोस्तों से जल्दी नहीं मिलवाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका से उनका कोई दोस्त बात करे। अब इसके पीछे की वजह क्या होती है ये तो हमें और आपको अच्छे तरीके से नहीं मालूम, लेकिन आज जो ये खबर सामने आई है इस पूरे सेगमेंट में आपको इसे हम बताएंगे, जिससे शायद आप ये जरूर समझ जाएंगे कि अपने प्रेमी और प्रेमिका को क्यों अक्सर लड़के लड़की अपने दोस्तों से नहीं मिलवाते हैं, बात नहीं करवाते हैं। शायद इसके पीछे इतनी बड़ी वजह हो सकती है, ये हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं, तो चलिए अब सीधे हम मुद्दे पर आते हैं और आपको हम मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला बताते हैं। तो बात यह है कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक लड़की की शादी रियाज नाम के एक लड़के से तय हो गई थी। शादी तय हो जाने के बाद घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी कि दोनों बात करें। जब दोनों आपस में बातचीत करने लगे तो देखते ही देखते करीब एक से डेढ़ दो साल बीत गया, इनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ लव को अरेंज नहीं बल्कि अरेंज को लव मैरिज बना दिया गया। बस कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली थी कि कुछ दिन पहले लड़के ने लड़की से कुछ अजीबोगरीब डिमांड कर डाली। लड़के का कहना था कि तुम्हें देखना है, अब फोन पर हम बात नहीं करेंगे बल्कि हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे। पहले तो लड़की ने मना किया, लेकिन उसके बाद लड़की ने सोचा कि चलो ये तो पति है, जल्दी हमारी शादी होने वाली है तो हम बात कर लेते हैं। लड़की अपने पड़ोस में रस्ते में लगने वाली एक बहन के पास जाती है और उसके मोबाइल से अपने प्रेमी को वीडियो कॉल करती है, जहां उसकी बहन से भी उसके प्रेमी यानी होने वाला जो उसका पति था वो बात करता है और रियाज नामक ये लड़का उसके बाद उसकी बहन से ही बात करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत की बातें होने लगती है। उस वक्त तो लड़की बात करके अपने घर वापस चली जाती है, लेकिन उसी दिन से इन दोनों यानी कि उसकी जो बहन है और होने वाला जो पति है दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद अब दोबारा लड़का लड़की को कहता है कि वीडियो कॉल करने को, जिससे वो साफ मना कर देती है, कहती है कि अब जल्दी हमारी शादी होने वाली है, मैं फोन नहीं करूंगी। जिसे नाराज होकर उस लड़के ने शादी ही तोड़ दी। उसके बाद लड़की अपने होने वाले पति को मनाने और अपनी बहन का फोन लेकर उसे वीडियो कॉल करने की कोशिश करती है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो मामला कुछ और ही है। जिस दिन से बहन के फोन से लड़की ने रियाज अपने होने वाले पति को फोन किया था, तभी से वो दोनों बातचीत करने लगे थे और दोनों अब एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। उस लड़के को इससे पीछा छुड़ाना था, इसीलिए वो बहाने ढूंढ रहा था और वीडियो कॉल का बहाना बनाकर शादी तोड़ चुका था। बावजूद इसके अब लड़की उससे शादी करना चाहती है। जब उसको मालूम पड़ा कि उसकी बहन और होने वाला पति एक दूसरे से बात करता है, प्यार करता है, शादी करना चाहता है, तो उस मानव परिवार में बवाल हो गया। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब दोनों लड़कियों को उसी लड़के से शादी करनी थी। रियाज से शादी करने के लिए दोनों लड़कियों के बीच जंग छिड़ गई है और अब ये मामला जब थाना पहुंचा, वहां भी पुलिस ने इन दोनों की प्रेम कहानी सुनकर अब हैरान है। बिहार पुलिस ने तो अपना माथा पकड़ लिया है, लेकिन परिवार वाले अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि दोनों लड़कियां यही कह रही हैं कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। अब इसी बात पर लड़ाई चल रही है कि रियाज किससे शादी करेगा, जिससे शादी तय हुई थी उससे शादी करेगा, या फिर जो उसकी बहन है जिसके फोन से उसकी पत्नी ने फोन किया था उससे शादी करेगा। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का पता नहीं। बाकी अब इस पर कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। तब तक आप ऐसे मामले, ऐसे अजीबोगरीब लोग और अजीबोगरीब प्रेम कहानी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना।